हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSB। एक बार फिर आप सबका गोयल साहब की बुक में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे का भी ख्याल रख रहे होंगे, और इस क्वारंटाइन में कुछ ना कुछ अपने लिए, लॉकडाउन में कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा सीख रहे होंगे, डेली अपने आप को इम्प्रूव, ठीक है। तो आज टॉप करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना, 4 अप्रैल का, और जितना भी करंट अफेयर है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी की। IRDAI ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। COVID-19 के लिए लॉन्च की गई 3 स्कीम लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट मिले, मतलब एक तरीके से बढ़ावा मिले, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें, सेल करें, है ना। हॉटस्पॉट एरिए फाइन कर दिए इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, जहाँ पर ज़्यादा COVID-19 फैल रहा है, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट के लिए, ठीक है ना। अब भारत बायोटेक डेवलप इंटरनेशनल वैक्सीन डेवलप कर रही है COVID-19 के लिए, ठीक है, भारत बायोटेक हैदराबाद की है ये। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पार्टनर विद उबर ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, अपनी तकरीबन 150 गाड़ियाँ शेयर की हैं प्रयागराज, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद सब में, ठीक है। अब बात कर COVID-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, जियो फेंसिंग एप्लीकेशन एक बनाए जो लोकेट क्वारंटाइन वॉलेटर्स, जो उनको क्वारंटाइन को वायलेट करेगा, ठीक है ना, कि गलत तरीके से एरिया क्रॉस करेगा जो गवर्नमेंट ने मना किया है, तो उस तरीके से वो उनको पता चल जाएगा, ठीक है ना। करुणा बहुत अच्छी है, इनिशिएटिव बाय सिविल सर्वेंट्स टू फाइट अगेंस्ट द COVID-19, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। क्या है ये? IRDA के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च की गई, इससे कुछ गाइडलाइंस है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें क्या है कि जो आरोग्य इम्प्लीमेंट किया गया है IRDAI के द्वारा, किसको? आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी को, ठीक है। द रेगुलेटर अर्लियर मैंडेटरी इफ द इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड अ बेसिक कवरेज एट दी, तकरीबन कितने लोगों को ये एटलीस्ट प्रोवाइड कराए इंश्योरेंस पॉलिसी? 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को, ठीक है। आइए अबाउट द पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पॉलिसी आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी, बेसिकली लॉन्च टू कवर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर COVID-19 पेशेंट, ठीक है ना। द पॉलिसी इज नॉट ब्रॉट बाई द इंडियन गवर्नमेंट, रैदर इंस्ट्रक्टेड बाई द इंडियन गवर्नमेंट, याद रखेंगे इसको। सो फॉर पॉलिसी ऑफ 29 हेल्थ एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई IRDAI। पॉलिसी कुछ गाइडलाइंस देख लें। द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम शैल कवर बिटवीन 1000 to 1 lakh रुपीज। इंटरेस्टेड कस्टमर जो, जिनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो वो अपना कवरेज इससे बढ़ा सकते हैं, 5 lakh तक कर सकते हैं। इट इज़ टू बी अवेल फॉर अ सिटीजन, किन के लिए अवेलेबल है ये? 18 साल से ऊपर और 65 तक, ठीक है, जिनकी ये 65 है। द रूम रेंट शैल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द पॉलिसी, इट हैज़ बीन कैप्ट एट द 2% ऑफ द सम। आइए आगे देख लेते हैं, जो थ्री स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इंसेंटिव स्कीम, है ना, कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है, इससे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, कहीं ना कहीं उसमें बूस्ट मिलेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग होगी। कितना इंसेंटिव किया? 4 से 6%, विच इज़ कंपनी शो इंक्रीज सेल, और ये उनके लिए है, जो कंपनी अपना, जिसकी सेल इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर उनकी इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देख रहे हैं, चाइना को मात देने के लिए, ठीक है ना। आने वाले टाइम में शायद हम लोग ऐसा करें कि चाइना का प्रोडक्ट ना खरीदें, ऐसा मुझे लग रहा है। इसी चीज़ को, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चाइना से आता है। तो अब सोचिए, ये देखिए, 3 स्कीम जो लॉन्च की है, इसमें रुपए कितना इन्वेस्ट किया, निवेश किया, देखिए 48,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं 48,000 करोड़ इन स्कीम में, जो 3 स्कीम लॉन्च की है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उनके लिए की गई है, ठीक है ना। अब कौन कौन सी 3 स्कीम? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 स्कीम फॉर प्रमोशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये जो 3 स्कीमें हैं क्या हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है? पहली सबसे बड़ी स्कीम, इट इज़ अ लार्ज स्कीम ऑफ ऑल द 3 स्कीम। इट विल प्रोवाइड यू 4% to 6% इंसेंटिव ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दैट शो इंक्रीमेंटल सेल। जितने आप प्रोडक्ट अपने सेल करें, उन सब प्रोडक्ट पर आपको गवर्नमेंट 4% इंसेंटिव देगा, ठीक है, 4 से 6% इंसेंटिव देगा। दिस इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक सच एस, गवर्नमेंट इंडिया बहुत चालू है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ज़्यादा ज़्यादा सर्किट बोर्ड बेचो। अब कोई कंपनी अगर आपका ये जो सर्किट बोर्ड आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, कोई सर्किट बोर्ड खरीदेगी, तो सर्किट बोर्ड अगर खरीदी देगी, कहीं ना कहीं वो उसका यूज़ करेगी, है ना, एंड
फोटोपॉलीमर फिल्म मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईएमसी की, ठीक है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू प्रोवाइड, अब ईएमसी किस किस में वर्क करेगी, है ना, सपोर्ट उन कंपनीज करेगी जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ठीक है ना। स्कीम हैव टू लॉन्च अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक 2019। इट एम टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। उसका मेन एम क्या है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया मेन हब बने। जैसे आपने एप्पल के पीछे भी देखा होगा मेड इन चाइना लिखा रहता है, ठीक है ना, असेंबल इन कैलिफोर्निया शायद, ठीक है, मतलब मेड इन चाइना तो है एप्पल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं की फीचर्स की बात कर लेते हैं। द स्कीम एम टू प्रोवाइड, इसका मेन ईएमसी का मेन एम क्या, सेटअप बोथ ब्राउन फील्ड एंड अ ग्रीन फील्ड ईएमसी, ठीक है ना। फर्स्ट फेज ऑफ ईएमसी एंड अप्रूव्ड 20 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। फर्स्ट फेज में ही ईएमसी कितने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किए, 20, एंड 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर अराउंड द 15 स्टेट। और 15 स्टेट में तकरीबन कॉमन फैसिलिटी, मतलब जिसमें लोग आके ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अपना पूछ सके, देख सके कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। ईएमसी 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथ द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस ऑफ द कंट्री इन द इलेक्ट्रॉनिक सेंटर। अब एसपीईसीएस की बात कर लेते। द स्कीम प्रोवाइड द इंसेंटिव ऑफ 25% ऑफ द कैपिटल स्पेंड ऑन। अब देखिए इससे भी, अब इसमें क्या है, नई नई कंपनियां और खुलेंगी, देखना 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद। क्यों? क्योंकि इनमें किसको किसको पैसा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स में उनके जितना उन्होंने निवेश किया उसका 25% उनको मिलेगा, एंड इक्विपमेंट जिन्होंने नए नए खरीदे उस पर 25%, एंड मशीनरी जो भी लाए हैं, टेक्नोलॉजी जो भी लाए हैं उस पर भी उनको 25% मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे इंसेंटिव, बहुत अच्छे इनिशिएटिव है ये, ठीक है ना। हॉटस्पॉट एरिया है ना, कोविड 19 आइडेंटिफाई के लिए जहाँ जिन जिन जगह कोविड 19 आइडेंटिफाई हुआ उन एरिया को ज़्यादातर उनको हॉटस्पॉट बना दिया और वहाँ पे एंटीबॉडी टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। एंटीबॉडी टेस्ट मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए, आप जाके एक बार देख लें। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज आइडेंटिफाइड 20 कोविड 19 हॉटस्पॉट इन द कंट्री, दो देयर आर नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन द कंट्री। तो ट्रांसमिशन की बात कर लें, मतलब कि कम्युनिटी स्प्रेड अभी इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। द मिनिस्ट्री टेक हॉटस्पॉट स्ट्रिक्टली, ऑल्सो 22 पोटेंशियल हॉटस्पॉट हैज़ बीन आइडेंटिफाई। तकरीबन 20 से लेकर 22 हॉटस्पॉट एरिया आइडेंटिफाई कर दिए जहाँ पर ज़्यादातर केसेस कोविड 19 के हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर एंटीबॉडी टेस्ट होंगे, अब एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में बात करूँ, ये ICMR के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है ना। इंडियन ऑफ मेडिकल रिसर्च वॉट पुट ऑन द एक्शन इन दीज एरिया। अब जितने भी एरिया हैं इन सब में क्या होगा, एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे हॉटस्पॉट ICMR के द्वारा बनाए गए, ठीक है ना। इन सब एरिया में द ICMR इज टू कंडक्ट एंटीबॉडी टेस्ट इन द हॉटस्पॉट। द एम टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, अब इनका मेन एम क्या है, इस पर ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट चीज़ है। द एम इज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल दैट नॉट सो सिम्टम बट स्टिल हैव रिलीज एंटीबॉडी इन देयर ब्लड स्ट्रीम ड्यू टू कोविड 19 इन्फेक्शन। मतलब इनका एम क्या, उन ऐसे इंडिविजुअल को फाउंड करना जिनकी बॉडी में कोविड 19 है बट उनके सिम्टम नहीं दिख रहे हैं और उनकी ब्लड स्ट्रीम में कहीं ना कहीं एंटीबॉडी है, तो इनका एम क्या है, बहुत अच्छा है। तो इनका एम क्या है, जो लोग कोविड 19 से अफेक्टेड हैं तो उन जो लोग, अब मान लीजिए अब जैसे ये लोग उन्होंने फाइंड किया कि भाई इनके अंदर कोविड 19 पेशेंट है बट इनके अंदर सिम्टम नहीं शो हो रहे और इनकी ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडी रिलीज हो रहे हैं उनसे फाइट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनकी एंटीबॉडी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इनकी एंटीबॉडी लेकर जो बीमार है उसमें इंजेक्ट कर दे तो कहीं ना कहीं जो बीमार वाला है वो सही हो सकता है। तो ये करना है इसमें एंटीबॉडी टेस्ट में, ठीक है। अबाउट द टेस्ट की बात कर लें तो टेस्ट का जो रिजल्ट है, टेस्ट बहुत फास्ट है, रिजल्ट 15 से 20 मिनट में आ जाता है। कौन सी टेक्निक लगेगी, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा बट जानना जरूरी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR टेस्ट टू बी कंडक्टेड टू चेक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाएगा। मेन पर्पज इज टू कंडक्ट ए सिस्टमैटिक, है ना, ए सिम्टिक, मतलब जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं है उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिनके अंदर कोविड 19 पेशेंट के अंदर जिनके अंदर सिम्टम नहीं है तो इस टेस्ट के थ्रू उन पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी एंटीबॉडी को यूज किया जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ए सिम्टोमेटिक पेशेंट एज इट इज ईजियर टू क्योर दैम, ठीक है ना। इनिशियल स्टेज ऑफ कोविड 19 कैन ईजिली कंट्रोल एंड पेशेंट कैन रिकवर अर्लियर एज वेल। आइए बात कर लेते हैं भारत बायोटेक टू डेवलप इंट्रानेजल वैक्सीन। मतलब ये वैक्सीन जिसको भी दी जाएगी उसको नोजल, जो नेजल कैविटी है, नाक, जो नाक है इसके थ्रू दी जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारी ओरल वैक्सीन होती है, मुँह के थ्रू दी जाती है, बहुत इंट्रावेनल होती है, नसों में दी जाती है, ठीक है ना। भारत बायोटेक अलॉन्ग विद द वायरोलॉजिस्ट, जो वायरस की स्टडी करते हैं, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द विस्कॉन्सिन,
एंड अ मेडिसिन हैव बिगन टू डेवलप एंड टेस्टिंग अ न्यू वैक्सीन कॉल्ड अ कोरोफ्लू। याद रखिए ये चीज़ जरूरी कि भारत बायोटेक के द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई जा रही थी इंटरवेंशन, इसका नाम क्या था, कोरोफ्लू कोविड 19 के लिए। ठीक है, ज़रूरी है, ये इनडायरेक्ट पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं हाइलाइट्स की। द वैक्सीन इज टू डेवलप विद अ M2SR वैक्सीन। M2SR वैक्सीन है, अब ये इसका कब यूज़ हुआ था देख लीजिएगा। इन मेन कंपोनेंट द M2SR वैक्सीन इज अगेंस्ट द फ्लू। ठीक है ना, द M2SR इज अ सेल्फ लिमिटिंग वर्जन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड इट इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द फ्लू। मतलब जो M2SR वैक्सीन है ये इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू काम करती, मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट काम करती जो के थ्रू फैलते हैं। ठीक है ना, अगेंस्ट उनको रोकेगी ये वैक्सीन। ठीक है, जिन जो फ्लू वाले वायरस हैं। अब द वैक्सीन की बात कर लेते हैं। द जीन सिक्वेंस ऑफ सार्स कोविड 2। अब जीन रिस्पॉन्स सार्स कोविड 2 की बात कर लेते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कोरोना वायरस 2 था दैट कॉज कोविड 19। याद रखिएगा हु कॉज कोविड 19, तो अभी तक तो सब लोग कोरोना वायरस जानते थे, तो इसका सही फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, याद रखेंगे इसको, दैट कॉज कोविड 19 डिसीज इज टू इंसर्टेड इन टू द। अब इसको क्या किया जाएगा, उसको किस में इंसर्ट किया जाएगा, जीन सीक्वेंस को M2SR में। दिस विल इंड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोरोना वायरस। अब ये क्या करेंगे, उसके कोरोना वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाएंगे। द प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ 3 to 6 months। अब तकरीबन ऐसा लग सकता है कि 3 to 6 months लग सकते हैं इस वैक्सीन को बनाने में, है ना। द वैक्सीन विल डिलीवर इंटरवेनसली और फिर बाद में इस वैक्सीन को इंट्रानेसली ही दिया जाएगा नोज़ के थ्रू, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्लू वाले नाक के थ्रू आती हैं और ये कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको नेजल कैविटी से दी जाएगी जो कि डायरेक्ट आपके लंग्स वगैरह में जाए। ठीक है ना, इसका प्लान क्या है देख लेते हैं। द भारत बायोटेक इज टू मैन्युफैक्चर अराउंड 300 million डोज ऑफ द वैक्सीन। द डोज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। भारत बायोटेक की बात कर लें, द भारत बायोटेक इज एन इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर एट हैदराबाद। इट वॉज फाउंडेड बाई द कृष्णा एल्ला एन इंडियन साइंटिस्ट। इट इज़ द फर्स्ट बायोफार्मा कंपनी ऑडिट एंड अप्रूव्ड बाई द कोरियन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद में। ठीक है ना, आगे बढ़ लेते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पार्टनर विद ऊबर कैब के साथ पार्टनरशिप की है। डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर द हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको Uber की तरफ से एक तरीके से हेल्प मिलेगी। कैसे, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज पार्टनर विद Uber इंडिया टू प्रोवाइड डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू हेल्प हेल्थ केयर वर्कर दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग। मतलब उन सबको हेल्प करेगा जितने लोग कोविड 19 से लड़ने में मदद कर रहे हैं, ज़्यादातर डॉक्टर नर्स। ठीक है, अब बात कर लें इसका प्लान क्या। Uber इज टू फैसिलिटेट 150 फ्री कार्स इन द मेजर सिटीज। जितनी मेजर सिटी हैं उन सब में 150 कार हैं और फ्री में दे रहा है। ठीक है, कानपुर, न्यू दिल्ली, पटना, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ में। ठीक है, द फैसिलिटी इज बीइंग लॉन्च अंडर द नेम ऑफ Uber मेडिक सर्विस। ये ज़रूरी क्वेश्चन है और ये इनडायरेक्ट कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सारी चीज़ें। दीज व्हीकल आर टू इक्विप्ड विद रूफ ऑफ प्लास्टिक फ्लोर। ठीक है ना, अब इसमें होता है रूफ ऑफ प्लास्टिक फ्लोर एंड एनक्लोजिंग विद दैट एंड प्रोटेक्टिंग बैरियर बिटवीन द ड्राइवर एंड द राइडर। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। कोविड 19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जियो फेंसिंग एप्लीकेशन टू लोकेट क्वारंटाइन वायोलेटर्स। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज इशूड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द यूज ऑफ कोविड 19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, क्या क्या नहीं। अब इसकी बात कर लेते हैं, CAQS की बात कर लेते हैं। कोविड 19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम CAQS is an application used to track a COVID-19 patient who have violated quarantine. And अब कहने की बात क्या है, ये बना किसके लिए है, याद रखिए ये बना किस लिए, जो COVID-19 के पेशेंट हैं उनको ट्रैक करने के लिए। कहीं ना कहीं वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उस COVID-19 और वो अपने क्वारंटाइन को कहीं वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, जहाँ जितना उनका एरिया बनाया गया उससे बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, हाईलाइट्स, द एप्लीकेशन वॉज डेवलप बाई DOT एंड CDOT, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक। द ऐप कलेक्ट फोन डेटा ऑफ द क्वारंटाइन वायलेटर।
याद रखिए, क्वारंटाइन जो वायलेटर हैं उनका फ़ोन डेटा लेता है, अलर्ट लोकल एजेंसी जो भी वो लोकल एजेंसी होती है उनको अलर्ट पहुंचा देता है। एप्लीकेशन यूज़ जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी, और जो एप्लीकेशन ये बना है ये जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। तो याद रखिएगा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बने। हाँ, मेरे से किसी ने बोला था कि आप सर होमवर्क ज़रूर दिया करिए, तो ये आपका होमवर्क है ये, ठीक है ना, कि ये जो सॉफ्टवेयर है किस किसने बनाया है एंड और सॉफ्टवेयर में किसका किसका यूज़ होता है और क्या इसका नाम है, मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। जियो फेंसिंग के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें, जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज सॉफ्टवेयर सच एस RFID, GPS, वाईफाई ट्रिगर अ प्री प्रोग्राम मॉड्यूल्स, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी अलाउ टू सेट अप अ वर्चुअल बाउंड्री कॉल्ड अ जियो फेंस व्हेन अ मोबाइल एंटर इन और एग्जिस्ट जियो फेंस द प्री प्रोग्राम मॉड्यूल स्टार्ट रनिंग एंड द प्रोग्राम हैज सेंड अलर्ट टू ऑथराइज एजेंसी। कहने की बात कि इसमें कुछ ऐसी कोडिंग, कुछ ऐसे मॉड्यूल बनाए गए हैं कि अगर एक ऐसा एरिया बना दिएगा GPS के थ्रू, तो अगर COVID-19 पेशेंट जो भी है, जो जिसे जिसे कोरोना वायरस है, तो वो अगर किसी एक बाउंड्री को जो उन्होंने मॉड्यूल के थ्रू वहाँ पर बना रखी है उसको अगर क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं जो भी मोबाइल का डेटा है वो GPS की हेल्प लेकर जो लोकल एजेंसी उनको मैसेज पहुँचा देता कि भाई साहब ये आपके बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत ऐसा हुआ है जो 1885 में बना था, ठीक है ना। सेंटर इशू द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 टू गेन अ पावर टू फैच इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वारंटाइन पर्सन फ्रॉम अ टेलीकॉम कंपनीज। द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन एवरी 15 मिनट, और हर 15 मिनट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाएगी लोकल एजेंसी में, है ना। किस एक्ट के थ्रू? द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। सेक्शन 5 की बात कर लेते हैं। एक्ट ऑथराइज बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोन यूज़र, और यही एक्ट जो आपका फ़ोन यूज़र है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और कहीं ना कहीं ये टेलीकमिशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये जानने में कि जो एक्चुअल डेथ है चाइना की वो कितनी, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो चाइना की जो सिम है बहुत से तकरीबन 2 करोड़ जो सिम है वो बंद हुई हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन जो टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज हैं इन्हीं की इन्फॉर्मेशन से पता चला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मानना है मेरा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बात सच है झूठ है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 करोड़ कनेक्शन बंद हुए, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 करोड़ लोग मरे हैं वहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करोना की। आई अप्रिशिएट इट, करोना का फुल फॉर्म भी बहुत अच्छा है, सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन अ नेचुरल डिजास्टर। ऑन 4 अप्रैल 2020 द Association of Civil Servant form a initiative called a Karuna. Karuna is a civil service association reached to support a natural disaster. बहुत ही अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, 100% मुझे इस बार बिलीव है ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। Karuna is a collaborative platform include a IAS, PCS officer. The platform is to represent by NGO, industry leaders, IT professional along with the civil servants. An initiative is being launched to support a government effort. जितने गवर्नमेंट हमारी जो एफर्ट लगा रही उस एफर्ट्स को सफल बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोरोना? अब ये भी तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस कोरोना का रोल क्या है। द सिविल सर्वेंट आर स्प्रेड आउट ऑल द कंट्री, इनिशिएटिव इन एन आइडियल प्लेटफॉर्म टू असिस्ट द सप्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट। इट विल हेल्प टू जनरेटिंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन अबाउट द मिटिगेशन, मेडिकल इक्विपमेंट एंड एसेंशियल सप्लाईज एंड वेंटिलेटर्स एंड मास्क। मतलब ये जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेंगी, चाहे हमारी चाहे गवर्नमेंट, तो उन सब में ये करोना हेल्प करेगा। द इनिशिएटिव विल हेल्प टू एड्रेस स्टोरेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। दीज ऑफिसर आर वर्क अलॉन्ग द एम्पावर्ड इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल टू सेट अप अर्लियर एंड अ जियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैंडल COVID-19 क्राइसिस इन दी इंडिया। कहने की बात कि अगर ऐसा माना जा रहा है कि अगर COVID-19 क्राइसिस आई तो ये करोना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हर सारी चीज़ में, क्योंकि इनमें सारे वो दिग्गज हस्तियाँ और वो दिग्गज संस्थान हैं जो उनको ज़्यादातर इंडिया के बारे में सारी चीज़ें पता है, और जिसको जो चीज़ पता है तो उसको उसके लिए हेल्प करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना। द करोना विल ऑल्सो वर्क टूवर्ड दी ऑगमेंटेशन ह्यूमन रिसोर्स एंड अ फैसिलिटेटिंग सप्लाई चेन इन्फॉर्मेशन डेसिमिनेशन पब्लिक अवेयरनेस डेटा मैनेजमेंट वेलफेयर मेजर एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही, और याद रखिएगा आपका होमवर्क क्या है, जितनी भी स्लाइड है उनमें से कितने कितने क्वेश्चन बने है ना, क्या क्या क्वेश्चन है उनको आप इलेबोरेट करके मुझे बताएंगे, और चाहे तो उनके आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। और याद रखिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक कमेंट करेंगे, आप लोग जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे इसको, उतनी जल्दी इसमें व्यू आएंगे, बहुत जल्दी मैं आपके समक्ष लाइव आऊँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। जय हिंद।